बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, जिसमें व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इज़ द होम नेटवर्क्स। अच्छा, होम नेटवर्क्स बेसिकली जो हैं कि घरों के अंदर हम लोगों ने अगर नेटवर्क बनाया होता है तो हम लोगों ने क्यों नेटवर्क बनाया होता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट, व्हाई डू वी नीड अ नेटवर्क एट होम, देर आर डिफरेंट पर्पजेज। ऑब्वियसली द यूजर्स एट होम आर नॉट द एक्सपर्ट लेवल यूजर्स, दे आर द कॉमन लेवल यूजर्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक द स्टूडेंट्स, द फैमिली मेम्बर्स, और इफ़ द फैमिली इज़ बिग, और देर आर न्यूमरस नंबर ऑफ यूजर्स इन साइड अ होम। लाइक घर की आप एग्जाम्पल ले लें, तो बेसिकली अगर हम लोगों ने होम यूजर्स जो हैं क्या नाम है उनकी डिपेंडेंसी के लिहाज से अगर नेटवर्क बिल्ड करना हो तो हम क्यों करते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट एट द सेम टाइम। ऑब्वियसली घर के अंदर जब हमारे पास होम नेटवर्क नहीं होगा तो हम इंटरनेट से सारे के सारे लोग किस तरह कनेक्ट कर सकते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को कई दफ़ा बताया कि इंटरनेट इटसेल्फ इज़ अ नेटवर्क विच इज़ अ पब्लिक नेटवर्क, और हमारे पास बाहर से वायर्ड नेटवर्क आ रहा होता है, वायर्ड WRED वायर्ड नेटवर्क आ रहा होता है, और उस नेटवर्क को हम लोग वायरलेस में कन्वर्ट करते हैं सो दैट एवरी पर्सन एट द होम कुड हैव द फैसिलिटी ऑन देयर नोड्स सच एज मोबाइल फ़ोन, एंड मोबाइल फ़ोन्स के अलावा लैपटॉप्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर वो फंक्शनैलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। सेम इज़ द केस कि अगर हम लोगों ने घर के अंदर इंटरनेट कनेक्शन को शेयर्ड करना हो, फॉर एग्जांपल लाइक मैं आप लोगों को बताया था पहले भी कि हम लोग वायर्ड नेटवर्क हमारे पास आ रहा होता है और हमने उस वायर्ड नेटवर्क को शेयर करना हो, तो घर के अंदर घर बड़ा है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि मेरे पास दो वायरलेस डिवाइसेज हैं, एक ये वायरलेस डिवाइस है, एक ये वायरलेस डिवाइस है, ये पूरा मेरे एक घर का इन्वायरमेंट है, और इस वायरलेस डिवाइस के सिग्नल्स जो हैं वो पूरे घर को कवर नहीं कर रहे, तो मैं क्या करता हूँ अपने घर में इन दोनों के जो डिवाइसेस हैं इनको आपस में कनेक्ट भी कर देता हूँ वायर्ड के ज़रिए। तो अगर इस डिवाइस के पास इंटरनेट आ रहा है तो वो इंटरनेट इस डिवाइस के साथ भी शेयर हो जाएगा, और अगर इसके साथ कुछ डिवाइसेस वायरलेसली कनेक्टेड हैं और तो हमने कुछ और डिवाइसेस कनेक्ट करनी है जो कि डिस्टेंस में थोड़ी सी ज़्यादा हैं तो वो इस डिवाइस के साथ भी कनेक्ट हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली हम घर के अंदर इंटरनेट को शेयर कर सकते हैं। एक्सेस फाइल्स एंड फोल्डर्स ऑन द अदर कंप्यूटर्स, मेरे घर के अंदर 3 से 4 कंप्यूटर्स हैं, मेरे कंप्यूटर के अंदर एक फ़ाइल अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, ये बुक अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ मेरे घर के तमाम लोग जब कभी भी मेरा कंप्यूटर ऑन होगा तो उनको अगर ये बुक चाहिए तो लाजमी नहीं है कि वो अपने कंप्यूटर के अंदर जाएं और जाके वहाँ पर डाउनलोड करें या मेरे से USB लेके लें। मैं अगर यहाँ से शेयर फोल्डर ऑन कर दूँ, शेयर फोल्डर गिव एक्सेस टू स्पेसिफिक पीपल, और यहाँ पर मेरे नेटवर्क में जो लोग होंगे मैं उनके साथ शेयर करके ये शेयर का बटन को क्लिक कर दूंगा, तो मेरी ये जो फाइल होगी ये मेरे होम नेटवर्क में लोगों को एक्सेसिबल होगी। शेयर द पेरिफेरियल्स, पेरिफेरियल्स मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऐसी हमारी पोर्ट्स, ऐसी ऐसी हमारी डिवाइसेस जो कि हमारे मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट नहीं होती। द वेरी बिगेस्ट एग्जांपल इज़ प्रिंटर्स, जो कि मोस्ट कॉमनली घरों के अंदर इस्तेमाल होता है, तो एक प्रिंटर है, बारी बारी क्या सबको आना पड़ेगा और आके हम उसको अपनी USB लगाएं या उसकी केबल लगाएं, तो आपको पता है प्रिंटर्स के अंदर वाईफाई की कैपेबिलिटी आ गई है और वाईफाई के ज़रिए हम लोग प्रिंटर्स को यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, और हम लोग क्वाइट ईजीली जो है वो प्रिंट की कैपेबिलिटीज़ हासिल कर सकते हैं। मल्टीप्लेयर गेम्स, दिस इज़ द वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ होम नेटवर्किंग, एंड ये होम नेटवर्किंग से बाहर जा चुकी हुई है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, और अब आप लोगों को पता है कि हम लोग क्वाइट ईजीली जो है वो मल्टीप्लेयर गेम्स खेल सकते हैं। पास्ट में क्या होता था कि अगर हम लोगों ने मल्टीप्लेयर गेम्स खेलनी है तो एक सर्वर बिल्ड करते थे, लोकल लेवल का सर्वर बिल्ड करते थे और बाकी तमाम लोग उस सर्वर को ज्वाइन कर लेते थे और गेम्स खेलते थे, जैसे काउंटर स्ट्राइक है, बहुत ज़्यादा खेली हुई है। इसके अलावा कनेक्ट गेम कंसोल्स टू द इंटरनेट, ऑब्वियसली गेमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हद तक आम हो चुकी हुई है, तो उस गेमिंग में एक बहुत बड़ी एग्जांपल आ चुकी हुई है और वो है गेमिंग कंसोल्स की। गेमिंग कंसोल्स जिस तरह के एक्सबॉक्स हैं हमारे पास, प्लेस्टेशन 4 है और डिफरेंट गेमिंग कंसोल्स अवेलेबल हैं, दीज गेमिंग कंसोल्स कैन नाउ बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट टू एक्सेस द गेम्स, और गेम्स को एक्सेस किया जा सकता है, स्ट्रीम किया जा सकता है, सेव किया जा सकता है, क्लाउड में भेजा जा सकता है। गूगल की जो गेमिंग फंक्शनैलिटीज़ हैं मेरे जहन से उसका स्टेडिया, आपको पता होगा, बहुत सारों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, STADIA।
उसकी फंक्शनैलिटी फॉर एग्जांपल लाइक मैं अगर आप लोगों को बताऊं कि गूगल स्टेडिया बेसिकली क्या करता है, अगर आप लोगों में से किसी ने देखा हो दिस इज द गूगल स्टेडिया। ये एक कंसोल, गेमिंग कंसोल उन्होंने लॉन्च किया है। विद द हेल्प ऑफ दैट क्या है कि जी आपको कोई स्पेसिफिक गेमिंग कंसोल नहीं रखना पड़ता जिसके अंदर हार्डवेयर की ज़रूरत है। दिस इज़ ऑल क्लाउड बेस्ड। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी आई है, आपका ये गेमिंग कंसोल जो है वो इंटरनेट से कनेक्ट होगा एंड देन आफ्टर दैट यू वुड बी एबल टू हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ द कंप्यूटर, सॉरी फंक्शनैलिटी ऑफ अ गेम कम्प्लीटली यूजिंग योर डिस्प्ले डिवाइस। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप के ऊपर जस्ट लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना होगा। अगर आप लोगों के पास क्या नाम है टीवी है तो टीवी के ऊपर चल सकता है। अगर आप जिस तरह ये पिक्चर आपने देखी थी इसमें अगर साथ में आप मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करना चाहते हैं, ये देखें, आप वो कनेक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर खेल सकते हैं। सो देर आर लिमिटलेस ऑप्शंस और इसको आप कहीं भी इजीली कैरी कर सकते हैं। अगर आपके पास गेमिंग पीसी, आप गेमिंग पीसी को क्वाइट इजीली कहीं भी कैरी नहीं कर सकते, लेकिन जब ये सर्विसेज हमारे पास आ गई हैं जो कि क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं जिसमें हमें तमाम की तमाम प्रोसेसिंग ईच एंड एवरीथिंग जो है वो क्लाउड बेस्ड अवेलेबल हो रही है, तो उस टाइम के ऊपर हम लोग जो है क्वाइट ईजीली कंसोल्स के ज़रिए इंटरनेट से कनेक्ट होते हुए गेम्स को एक्सेस कर पाते हैं। एंड देन वन ऑफ द widely most used one functionality, लेकिन हम लोगों को इसके बारे में इतना पता नहीं है, एंड दैट इज़ द सब्सक्रिप्शन ऑफ द वॉइस ओवर आईपी। आप लोगों ने स्काइप का नाम सुना होगा हर किसी ने। आपको ये भी आइडिया है कि स्काइप का क्रेडिट भी परचेज होता है। स्काइप क्रेडिट परचेज करने से बेसिकली क्या मुराद है हमारी, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं कैनेडा कॉल करना चाहता हूँ, मैं अमेरिका कॉल करना चाहता हूँ, एंड इफ़ आई एम मेकिंग माई कॉल्स फ्रॉम माई टेलीफोन डिवाइस, PTCL डिवाइस, लैंडलाइन डिवाइस और फ्रॉम माई सेल फोन्स, दिस वुड कॉस्ट मी अलॉट। If I want to call in a very cheaper rates, मैं क्या करता हूँ, मैं Skype का credit purchase कर लेता हूँ, and with the help of that credit, मैं quite easily जो है वो Canada और America call कर सकता हूँ और मुझे वो बहुत cheap पड़ेगा। लेकिन वो obviously internet telephony होती है, voice over IP होता है, voice over internet protocol होता है। उसके लिए आप लोग अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट होते हैं, लैपटॉप के ऊपर Skype लॉगिन करते हैं, वहाँ से ही नंबर डायल करते हैं और आपके लैपटॉप से या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर अगर Skype की एप्लीकेशन है तो वहाँ से कॉल हो रही होती है। सिर्फ Skype नहीं है, देर आर डिफरेंट मोर एप्लीकेशन जिसके ज़रिए आप लोग क्रेडिट परचेज करके लैंडलाइन नंबर्स और मोबाइल फ़ोन नंबर्स के ऊपर कॉल्स कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी गुड कैपेबिलिटी, लेकिन ऑब्वियसली यू नीड इंटरनेट फॉर दैट, एंड इंटरनेट इटसेल्फ इज़ व्हाट अ नेटवर्क विच इज़ अ पब्लिक नेटवर्क, और आप वो पब्लिक नेटवर्क को यूज़ करते हुए अपने घर के में से कॉल्स भी कर पा रहे होते हैं। सो दीज आर द सम रीजंस दैट्स व्हाई वी नीड अ नेटवर्क एट होम, एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू नीड्स अ नेटवर्क। लेकिन ऑब्वियसली जो नेटवर्क होता है उसके लिए अब हमें कनेक्टिविटी भी चाहिए होती है। अब वो कनेक्टिविटी हमें कहाँ से आ रही होती है, वो कनेक्टिविटी हमें केबल्स के ज़रिए आती है। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, इथरनेट केबल्स हैं, पावर लाइन केबल्स हैं, फोन लाइन केबल्स हैं। अगर आप अपने बुक में जाएं तो इन तीनों को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। इथरनेट केबल ऑब्वियसली मैंने आप लोगों को बताया था, ये नेटवर्क में मैंने दिखाया था, दिस बेसिकली इज आवर इथरनेट केबल। ये जो मेरी केबल है ये इथरनेट केबल है जो कि डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करती है। अगर फॉर एग्जाम्पल लाइक मैं इसके साथ ये एक लैपटॉप रखता हूँ, ठीक है, और ये लैपटॉप मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि मुझे इसको वाईफाई मॉड्यूल इसमें लगाना पड़ेगा। अगर ये वाईफाई मॉड्यूल नहीं है और मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ इस लैपटॉप को इस डिवाइस के साथ, तो ये जो मेरी कनेक्ट हुई है ये भी मेरी ईथरनेट केबल है। अगर ये दरमियान में डॉटेड है, ये डॉटेड नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईथरनेट केबल्स हैं जो कि डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रही होती हैं। तो बेसिकली ये हमारी ईथरनेट केबल होती है जो कि हमारे नेटवर्क को एक जगह से दूसरी जगह, हमारी नेटवर्क रिसोर्सेज को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है। पावर लाइन केबल्स, आपको नाम से ही पता हो जाता है, हमारी डिवाइसेस को जो पावर प्रोवाइड करनी होती है वो पावर लाइन केबल्स के ज़रिए प्रोवाइड होती है। एक बड़ी अच्छी चीज़ जो कि बुक के अंदर लिखी हुई है और अगर आप देखें और वो यहाँ पे लिखी हुई है, अगर आप लोग देखें, दिस नेटवर्क रिक्वायर्स नो एडिशनल वायरिंग, वन एंड ऑफ अ केबल प्लग्स इनटू द कंप्यूटर यूएसबी पोर्ट एंड द अदर एंड ऑफ द केबल प्लग्स इनटू द वॉल आउटलेट, द डेटा ट्रांसमिट्स थ्रू द एग्जिस्टिंग पावर लाइंस। आपकी कुछ ऐसी केबल्स अवेलेबल होती हैं जिनको हम कहते हैं पावर ओवर ईथरनेट केबल्स, ऐसी केबल्स होती हैं जिनके ज़रिए आप डाटा ट्रांसफ़र भी कर पा रहे होते हैं और
आप लोग क्या कर रहे होते हैं, चार्जिंग भी कर रहे होते हैं मोबाइल के अंदर। इट इज़ वेरी कॉमन कि आपकी वही डिवाइस, वही केबल जो है वो चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो रही होती है, और वही केबल जब आपको उसको USB पोर्ट के साथ कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, डाटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है। वो उसी के अंदर पावर लाइन केबल्स भी होती है और उसके अंदर ही डाटा ट्रांसफर केबल्स भी होती हैं। लैपटॉप के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता ये कॉमन होने लग गया। USB-C मैक एप्पल के लैपटॉप्स जो हैं उस पर सिंगल पोर्ट्स होती हैं और वो USB-C होती हैं, उसी के ज़रिए चार्जिंग हो रही है, उसी के ज़रिए डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसी के ज़रिए प्रोजेक्टर कनेक्ट हो रहा है, और उसी के ज़रिए सारी फंक्शनैलिटीज़ हो रही हैं। तो पावर लाइन केबल्स आर अपग्रेडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड देन देर आर द फोन लाइन केबल्स। ऑब्वियसली हमारे घर के अंदर अगर हम लोगों ने इंटरनेट कनेक्टिविटी लेनी है, और वो इंटरनेट कनेक्टिविटी अगर हम किसी टेलीफोनी सर्विस के जरिए ले रहे हैं, PSTN के जरिए ले रहे हैं, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क के जरिए ले रहे हैं, तो हमारे घर में एक टेलीफोन लाइन का होना ज़रूरी है। अगर हम लोग उसके ज़रिए नहीं ले रहे, किसी प्राइवेट सब्सक्राइबर के ज़रिए ले रहे हैं, तो फिर हमें टेलीफोन लाइन का होना ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब हमें टेलीफोन नेटवर्क के ज़रिए हम इंटरनेट की सर्विसेज ले रहे होते हैं, तो हम एक टेलीफोन केबल हमारे घर में एंटर होती है, जिसके ज़रिए हम ये इंटरनेट की फंक्शनैलिटी हासिल कर रहे होते हैं। इस पिक्चर को मैं ज़रा बुक से आप लोगों को दिखाता हूँ। बुक में दिस पिक्चर इज़ क्वाइट बिग। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक वायरलेस एक्सेस पॉइंट है, जिसके ज़रिए मैं मोबाइल फ़ोन्स को भी कनेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन इससे कुछ केबल्स भी निकली हुई हैं, और वो जो केबल्स हैं वो आगे DSL मॉडम को भी जा रही है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को भी जा रही है, जिसके अंदर वाईफाई की कैपेबिलिटी नहीं है, और इसके अलावा बाकी घर के अंदर बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, वो तमाम की तमाम इस एक्सेस पॉइंट के साथ कनेक्ट हो रही हैं। और इस एक्सेस पॉइंट के में से वाइड जो केबल निकलती है वो हमारी इथरनेट केबल होती है, और इसके अंदर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए केबल आ रही होती है, उस केबल को हम लोग फोन लाइन केबल कह रहे होते हैं। ये तो होगी हमारी वाइड नेटवर्क्स। अगर हम लोगों ने हमारे घर में वायरलेस नेटवर्क होता है, ये वाइड नेटवर्क के लिए, अगर हम लोगों ने वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया देखना होता है, तो हमारे पास वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया भी आ जाता है, और जिसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आती हैं। इसको मैं देखने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को कम्युनिकेशन चैनल के हवाले से बताना चाहता हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल होता क्या है। जो कम्युनिकेशन चैनल है, हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, और वो डाटा एक जगह से दूसरी जगह किस तरह जा रहा है, इस पिक्चर को भी अगर हम लोग बुक से देखें तो थोड़ा सा ये ज़रा क्लियरली आपको नज़र आ जाएगा कि मेरा एक कंप्यूटर है जो कि साहिवाल में है, और मैं डाटा सेंड करना चाहता हूँ। मैं कहाँ सेंड करना चाहता हूँ, मैं लाहौर में डाटा सेंड करना चाहता हूँ। बेसिकली दिस कंप्यूटर वॉन्ट्स टू सेंड द डाटा, एंड हाउ डू इट सेंड इट, इट सेंड इट थ्रू इट्स मॉडम, दैट मॉडम वुड बी DSL मॉडम। वो क्या करता है, DSL मॉडम केबल्स के जरिए में नियर बाय ISP को डाटा सेंड करता है। ISP क्या कहला रही होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसको मेन फ्रेम्स को भेजता है। मैं मेन फ्रेम्स ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, वो मेन फ्रेम्स से एक सिटी से दूसरे सिटी के मेन फ्रेम्स को जाता है, और मेन फ्रेम से वो फिर देन उसके बाद कहाँ जा रहा होता है, वो हमारे क्या नाम है, डेस्टिनेशन का जो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, उसके पास जाता है, और वहाँ से हमारे होम नेटवर्क के पास आ जाता है। ये एक जेनेरिक पिक्चर है, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह डाटा भेजने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। द अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन ट्रेवल ऑन अ कम्युनिकेशन चैनल। कम्युनिकेशन चैनल दो तरह के होते हैं, एक वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल होता है, एक वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल होता है। जो वायर्ड कम्युनिकेशन चैनल होता है उसकी कैपेबिलिटी डिफरेंट होती है, जो वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल होता है उसकी डिफरेंट होती है। हम दोनों को डिस्कस करेंगे अभी कि कौन कितना ज़्यादा डाटा लेके जा सकता है और कितना अच्छा लेके जा सकता है। वो जो डाटा को कैरी करने की कैपेबिलिटी है, दैट बेसिकली कॉल्स द बैंडविड्थ एंड द टाइम इट टेक्स फ्रॉम वन एंड टू सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। मतलब एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल पहुँचने को जो टाइम लग रहा होता है उसको हम लोग लेटेंसी कह रहे होते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ट्रांसमिशन मीडिया, जो जिन चीज़ों के जरिए वो सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। क्या वो केबल्स के जरिए जा रहा है, क्या वो वायरलेस के जरिए जा रहा है, केबल्स की कौन से टाइप के जरिए जा रहा है। तो वो जो डिफरेंट हमारी ट्रांसमिशन को लेके जाने के लिए मीडिया इस्तेमाल हो रहा होता है, वो हमारा ट्रांसमिशन मीडिया कहलाता है। और वो ट्रांसमिशन मीडिया क्या एक वक्त में एक सिग्नल लेके जाता है कि एक से ज़्यादा सिग्नल लेके जाता होता है, वो जो कैपेबिलिटी होती है उस कैपेबिलिटी को हम लोग ब्रॉडबैंड कहते हैं। रिमेनिंग इसकी इंफॉर्मेशन काफ़ी कुछ जो है वो बुक के अंदर भी अवेलेबल है। आई वुड सर्टनली बी लुकिंग फॉरवर्ड दैट यू पीपल वुड बी गोइंग थ्रू दैट एज वेल। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द
फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया, फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में यहाँ पर कुछ इतनी डिटेल में नहीं लिखा, बट दीज आर सम थिंग्स दैट आई वांट यू पीपल टू नो. द वेरी फर्स्ट, यहाँ पर कुछ ट्रांसमिशन मीडिया के बारे में बताया, मैं इस पर बाद में आता हूँ, पहले मैं इस पिक्चर के बारे में आता हूँ. यहाँ पर हमारे पास आ जाती हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स, क्विक्सल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल. ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसको मैं बल्कि आपको बुक से ही दिखाता हूँ, अगर बुक्स में ये थोड़ा सा क्लियर है. हाँ, ये ट्विस्टेड पेयर केबल है जिसके अंदर एक केबल के अंदर केबल की एक लीडिंग होती है, एक कवर होता है, आउटसाइड कोटिंग होती है, प्लास्टिक की कोटिंग होती है, और इसके अंदर आठ केबल्स होती हैं, और ये आठ की आठ केबल्स को एक दूसरे के ऊपर सर्कुलेट किया गया होता है डिफरेंट पेयर्स के अंदर. पेयर्स बनाए जाते हैं, यानी कि चार पेयर्स बनते हैं, और ये पेयर्स इसलिए बनाते हैं कि आपको पता है इलेक्ट्रिकल केबल्स, क्योंकि ये कॉपर की बनी होती हैं, इनके अंदर से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स जाते हैं. इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो वायर्ड केबल्स होती हैं, वायर्ड, वो हमेशा जो होती हैं वो हमारा जो है बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लेके जाती हैं, और जो हमारा वायरलेस मीडियम होता है वायरलेस, उसके अंदर हमारे पास हमेशा एनालॉग सिग्नल जा रहे होते हैं. लेकिन जो फाइबर ऑप्टिक्स अभी जिसके बारे में डिस्कस करूंगा, उसके अंदर लाइट सिग्नल जा रहे होते हैं. जस्ट लेट मी चेक क्विकली कि क्या रिकॉर्डिंग हो रही है हमारी कि नहीं. जी हाँ, हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं दो दफ़ा ये लेक्चर रिकॉर्ड कर चुका हूँ और रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, दैट्स व्हाई आई हैड टू चेक इट एज वेल. तो बेसिकली हमारी इन केबल्स के अंदर ये हमारे पास चार पेयर्स होते हैं, और चार पेयर्स को एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर दिया जाता है, सो दैट कि अगर किसी एक इलेक्ट्रिक सिग्नल गुजरने की वजह से कोई नॉइज़ क्रिएट हो रही है, नॉइज़ बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस होती है जो कि हमारे सिग्नल्स को डीग्रेड कर रही होती है. अगर नॉइज़ क्रिएट हो रही हो तो वो एक दूसरे के ऊपर पेयर करके एक दूसरे का प्लस माइनस इफेक्ट करके एक दूसरे की नॉइज़ को डीग्रेड कर दें. लेकिन ऑब्वियसली जो ये हमारी ट्विस्टेड पेयर केबल्स होती हैं, इनकी एक स्पेसिफिक लेंथ होती है, और इस स्पेसिफिक लेंथ तक के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं. मैक्सिमम 100 मीटर से 200 मीटर तक के लिए यूज़ करते हैं हम इसको. अच्छी केबल्स कैट 6 और कैट 7 डिफरेंट वर्जन हैं इसके केबल के, ट्विस्टेड पेयर केबल्स के. जो अच्छे वर्जन आ गए हैं वो 500 मीटर तक भी जा चुके हैं, लेकिन देन उसके बाद हमें रिपीटर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, जो पास्ट में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ. एक सेकेंड, यहाँ पर हमारे पास ये रिपीटर्स हैं. ये रिपीटर्स बेसिकली हमारे सिग्नल्स को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल होते हैं. या अगर मैं आपको ये दिखा दूं, इसमें दो पोर्ट्स होती हैं सिर्फ, एक में हमारे पास सिग्नल आ रहा होता है, यहाँ तक केबल आती है और यहाँ से आगे निकलती है, और ये बेसिकली सिग्नल की स्ट्रेंथ को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं. ये हमारे रिपीटर्स होते हैं. तो ट्विस्टेड पेयर केबल्स ये होती हैं. देन हमारे पास आ जाती हैं क्विक्सल केबल. क्विक्सल केबल ऑब्वियसली सिंगल वायर केबल होती है, और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है. इसके ऊपर डाटा काफ़ी ज़्यादा लेके जाया जा सकता होता है, लेकिन ऑब्वियसली मैं अगर आपको बुक से पिक्चर दिखाऊं इसकी, तो इसके अंदर कोटिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, क्योंकि ये हार्ड एरिया से इसको गुजारा जा रहा होता है, बड़ी मुश्किल जगहों के ऊपर रखा होता है, इन वॉल दीवारों के अंदर से इसको गुजारा जाता है. तो सो दैट कि हमारी ये कॉपर वायर महफूज रहे, इसको बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किए जाते हैं, और सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल जो होता है केबल नेटवर्क वायरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है. देन हमारे पास आ जाती है फाइबर ऑप्टिक. फाइबर ऑप्टिक आजकल के दौर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है. ये हमारी बेसिकली किस चीज़ की बनी होती है, बहुत बारीक रेशे होते हैं, फाइबर्स होते हैं, किस चीज़ के, प्लास्टिक के, और ये प्लास्टिक के रेशों के ज़रिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं. इसके अंदर जो सिग्नल्स होते हैं वो बेसिकली लाइट सिग्नल्स होते हैं. द केपेबिलिटी ऑफ द सिग्नल्स आर वेरी गुड, वेरी फास्ट ट्रांसमिशन. इसके अंदर नॉइज ना होने के बराबर होती है, सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, और इसका साइज़ बहुत कम होता है, हल्की होती है. और हम क्या कहते हैं, जहाँ पर अगर हमने 50 क्विक्सल केबल्स या 100 ट्विस्टेड पेयर केबल्स लेके जा रहे होते हैं, वहाँ पर हम 1000 से 10000 फाइबर ऑप्टिक्स के रेशे लेके जा सकते होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ दैट हमारी कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है. देन हमारे पास आ जाते हैं हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया. वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया में ऑब्वियसली सबसे पहले हमारे पास इंफ्रारेड आता है. अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, और वो हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. आप लोगों में से आई गेस सबको पता होगा, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. इफ़ आई कुड ओपन इट इन अ न्यू टैब, अपोलॉजीज फॉर माय इंटरनेट कनेक्शन, इट्स एवरीवेयर द इश्यूज विद द इंटरनेट कनेक्शन. अच्छा, इफ़ आई गेस इट इज़ वेरी मच क्लियर. आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है, फोटॉन्स हैं, और ये विजिबल लाइट है. देन हमारे पास गेमा रेज, एक्स रेज,
यहाँ पर हमारे पास अल्ट्रा इंफ्रारेड रेज आती हैं। इंफ्रारेड रेज विजिबल रेज नहीं हैं नंबर वन, लेकिन ये विजिबल रेज के बहुत पास हैं। अब ये जो इंफ्रारेड रेज होती हैं बेसिकली, इन इंफ्रारेड रेज की मदद से हम लोग डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, लेकिन ये डेटा जो होता है वो बहुत लो स्पीड पे ट्रांसफ़र होता है, ये देख सकते हैं आप, और इसका डिस्टेंस बहुत कम होता है। सॉल्यूशन क्या निकाला हम लोगों ने? ब्रॉडकास्ट रेडियो निकाला। ब्रॉडकास्ट रेडियो मीन्स रेडियो वेव्स। हमने रेडियो वेव्स को यूज़ किया। जो रेडियो वेव्स का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था कि इसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर लेंथ ज़्यादा है। लेंथ से मुराद ये कि ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, नंबर वन। एक फ़ायदा ये था। दूसरा फ़ायदा ये था कि ये हमारे जिस्मों को नुकसान नहीं पहुंचाती, नंबर टू। और तीसरा फ़ायदा इसका रेडियो वेव्स का ये था कि ये दीवारों में से गुजर सकती थी। लेकिन ऑब्वियसली हर्डल्स जहाँ पर ज़्यादा आती हैं, ऑब्वियसली अगर आपने घर के अंदर किसी दरमियान वाली लोकेशन के अंदर कोई वाईफाई मॉडम रखा हुआ है, और वाईफाई मॉडम जो होता है वो बेसिकली वायरलेस मॉडम या वायरलेस एक्सेस पॉइंट, वो बेसिकली रेडियो वेव्स को ही यूज़ कर रहा होता है। अगर आपने घर में कहीं वो रखा हुआ है बेसिकली, तो वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपको क्या कर रहा होता है? वो वायरलेस एक्सेस पॉइंट आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है, आपको आपको कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है रेडियो वेव्स के ज़रिए इंटरनेट को एक्सेस करने की। अगर हमारे घर में बहुत ज़्यादा कमरे हैं, तो आप दूर वाले किसी कमरे के अंदर होंगे, तो आपको वो कैपेबिलिटी बहुत वीक महसूस हो रही होगी, और उसके करीब बहुत अच्छी होगी। तो ये जो ब्रॉडकास्ट रेडियो होता है, ये बेसिकली डिफरेंट रेडियो वेव्स के ऊपर होता है। और इन रेडियो, अगर हम ब्लूटूथ यूज़ कर रहे हैं ये स्पीड है, होम रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज़ कर रहे हैं तो ये है, वायरलेस यूज़ कर रहे हैं तो ये है, और अल्ट्रा वाइड बैंड जो कि मैं पहले बता चुका हूँ वो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो ये है। देन हमारे पास आ जाते हैं सेलुलर रेडियो। सेलुलर रेडियो ऑब्वियसली ब्रॉडकास्ट रेडियो होते हैं। सेलुलर रेडियो को हम जीएसएम रेडियोज भी कहते हैं। जीएसएम रेडियोज का मतलब ये होता है हमारा कि ग्लोबल जीएसएम, एक सेकेंड सॉरी मेरे जहन से इसका नाम निकल गया, जीएसएम स्टैंड्स फॉर ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए जो सिस्टम इस्तेमाल हो रहा होता है। हमारे पास इस तरह के टावर्स लगे होते हैं। इन केस अगर मैं बुक में से इस पिक्चर को निकालूं आपके लिए, ये हमारे पास इस तरह के टावर्स लगे होते हैं। इन टावर्स को हम लोग BTS कह रहे होते हैं, बेस ट्रांसीवर्स सब सिस्टम्स कह रहे होते हैं। ये ट्रांसीवर बेस स्टेशन होते हैं, हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी लगा हुआ है, बेस स्टेशन होते हैं। इन सिग्नल्स की मदद से वी कैन क्वाइट ईजीली हमारे रेडियो सिग्नल्स को पूरे एरिया के अंदर ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। और वो जो ब्रॉडकास्ट हो रहा होता है वो रिसीव कहाँ से होता है? जो हमारे पास सेलफोन डिवाइसेज होती हैं, या अगर हमने लैपटॉप के ऊपर रिसीव करना है, जो भी GSM सपोर्टेड यानी कि सेलुलर रेडियो सपोर्टेड डिवाइसेज जो हमारे पास होती हैं, हम उन डिवाइसेज की मदद से क्वाइट ईजीली सिग्नल्स को रिसीव कर लेते हैं और हमारी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आ जाते हैं माइक्रोवेव्स। माइक्रोवेव्स बेसिकली क्या है कि GSM के अंदर आपने इस पिक्चर के अंदर, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, आपने इस पिक्चर के अंदर क्या देखा होगा? इस पिक्चर के अंदर आपने इस पिक्चर के अंदर देखा होगा ये वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर आ रहा है। यहाँ पर केबल्स के जरिए कनेक्टिविटी है। दिस इज अ वायर। ये वायर्स के जरिए सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपस में कनेक्ट हुआ होता है। लेकिन अगर बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जिन एरियाज के अंदर हम लोग केबल्स नहीं डिप्लॉय कर सकते, उन एरियाज के अंदर क्या करते हैं? उन एरियाज के अंदर हम लोग वायरलेस मीडियम बनाते हैं, और वो जो होती है वो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती है। अब ये जो माइक्रोवेव ट्रांसमिशन होती है, बेसिकली इसमें क्या होता है, माइक्रोवेव अगर मैं आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम दिखाऊं, This was the electromagnetic spectrum, where are microwaves, there are the microwaves, ठीक है। टेलीविजन वेव्स रेडियो वेव्स से ऊपर हैं, इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है। आप ये देखते हैं यहाँ पर, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ 10^10 की पावर है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये एक बारीक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल किया जाता है। आप एक तरफ एक रिसीवर लगाते हैं, दूसरी तरफ पे सेंडर लगा रहे होते हैं, ये हमारे पास जिस तरह का टावर है, और ये आपस में एक बारीक कह रहा हूँ एक बीम क्रिएट करते हैं सिग्नल्स की, और वो सिग्नल्स जो हैं वो एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह पर। हमें केबल्स की बजाय वो तमाम के तमाम हाई एंड स्पीड के ऊपर सिग्नल ट्रांसमिट हो रहे होते हैं फ्रॉम वन एंड टू एन अदर एंड। लेकिन आपको पता है ऑब्वियसली दुनिया गोल है,
गोली बेजवी है, हर 5 से 10 किलोमीटर के बाद जो है वो ज़मीन कर्व हो जाती है। तो हमें अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है लॉन्गर डिस्टेंसेस के ऊपर, फॉर एग्जांपल लाइक सहराओं के अंदर करनी है, या अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा नेटवर्क बन जाए जंगलों के अंदर, पहाड़ों के अंदर, और मैं इस तरीके से बना रहा हूँ, तो शायद पॉसिबिलिटी हो जाए, लेकिन ज़्यादा डिस्टेंसेज के लिए नहीं, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर के लिए शायद ये बन जाए। आफ्टर दैट अगर मैंने कम्युनिकेशन करनी होती है फॉर लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, तो वट डू आई नीड? आई नीड सेटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स, हवा कह रहा हूँ, खला के अंदर, स्पेस के अंदर कम्युनिकेशन सेटेलाइट्स मौजूद हैं, जो कि अर्थ बेस्ड रिसीवर्स होते हैं या सेंडर्स होते हैं या बेस स्टेशन होते हैं, वहाँ से सिग्नल्स भेजे और रिसीव किए जा रहे होते हैं, और आपके सिग्नल्स एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेजे जा सकते हैं। मसलन मेरे पास साहिवाल में मैं एक चैनल स्टार्ट करता हूँ, वहाँ से सिग्नल्स जाते हैं, वो सेटेलाइट में मैं भेजता हूँ, और सेटेलाइट के ज़रिए वो सिग्नल्स मेरे अमेरिका और इंग्लैंड और डिफरेंट एरियाज़ के अंदर जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ पर भी देखे जा सकते हैं। और इस वे इस तरीके के लिए भी जो कम्युनिकेशन के सिग्नल्स इस्तेमाल होते हैं वो हमारे माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस वाज द कंप्लीट वीडियो फॉर दिस लेक्चर। आई गेस मैंने अपनी पूरी कोशिश की आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की इस चैप्टर को, कम्युनिकेशन नेटवर्क कम्युनिकेशन चैप्टर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, मैं चाहता इसमें से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, इट्स वेरी रेलिवेंट टू आवर डेली लाइफ, तो दैट इज़ व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस। नेक्स्ट टाइम मैं इनपुट और आउटपुट के चैप्टर्स के ऊपर हम जाएंगे इंशाल्लाह। फ्रॉम दिस वीक थैंक यू सो मच, दिस इज़ उस्मान नासिर साइनिंग आउट फ्रॉम यू एंड रिकॉर्डिंग, स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग। अल्लाह हाफिज़।